करण सिंह। Thank you.
ਮੈਂ ਮੇਨ ਕ੍ਰੀਮ ਚਾਮੁੰਡਾਏ ਵਿੱਚੇ ਓ 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 ਮੈਂ ਮੇਨ ਕ੍ਰੀਮ ਚਾਮੁੰਡਾਏ ਵਿੱਚੇ ओ मैं मेन क्रीम चामुंडा बच्चे ओ मैं मेन क्रीम चामुंडा बच्चे आओ करण सिंह तुम्हारे नाम में भले ही करुणा है लेकिन तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी जुबान का इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। करण सिंह तुम्हारी आंखों की ज्वाला और अहंकार इस धरती को जला देगा। मैं जानता हूं पिछले सालों में तुम सात खून कर चुके हो और ये तुम्हारा बुरा वक्त है। ये सब 9 साल से चला आ रहा है। सूर्योदय से पहले मुझे मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना है। तेरे सफर में तेरे पीछे आने वाली मुसीबतों को तंत्र मंत्र विद्या से रोककर तुझे यहाँ तक सही सलामत पहुँचने का रास्ता दिया। जानते हो क्यों? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी बात गौर से सुनो। इंसान को बुरा या अच्छा कर्म करने के लिए ऊपर वाला बस एक ही जन्म देता है। अगर हमारा कर्म गलत है तो दुष्ट आत्माएं हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। देख लिया ना, बर्दाश्त से बाहर दुश्मनी है उस लड़की की तुझसे। उसके जीवन का मात्र एक ही लक्ष्य है। स्वामी मुझे बचा लीजिए। वो है तेरी मौत। मैं जीना चाहता हूँ। तुझे बचाने का रास्ता मैंने पहले से ही ढूंढ रखा है लेकिन मेरी ये बात तुम कभी मत भूलना। पत्थर जैसे अपने दिल के दरवाजे को तू खोल ले और बता क्यों तूने पाखंडी का भेष धारण किया है और अपना असली चेहरा छुपा रखा है। मुझे बचा लीजिए। मैंने आज तक गलत काम किया है लेकिन उसे छोड़ने का दिल नहीं करता। मैं बदलना चाहता हूं। इस जन्म में कोई अच्छा काम करके अपने पापों को धोना चाहता हूं। तुम अपनी उंगली को काट कर एक बूंद खून मेरे इस देवता पर चढ़ा दो। मेरे इस जादू टोने के देवता ने
तुम्हारा चढ़ावा स्वीकार कर लिया है, बताओ। बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। दिल और शरीर एक ही देवता को अर्पित करके खुशी और आराम से जिंदगी गुजारने वाला एक अनजान छोटा सा गांव था, उसका नाम खंडाला गांव। ये सब ठीक है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास काम बहुत है। मैं शनिवार के दिन आता हूँ, तब देखेंगे। थोड़ा भी सब्र नहीं है क्या? थी लेकिन अब नहीं रही। क्या सर्दी? सर्दी नहीं, सब्र, सब्र। अच्छा वो आ, वो अब भी है। को मानना चाहिए लेकिन नहीं मानते तो ऐसी मुसीबतें आते ही रहेंगी। पहले एक ने फांसी लगाई थी तब भी इन्होंने यही कहा था। हाँ मैं समझ गया। वो नहीं, हाथी ने एक को कुचल दिया, ये सब पाप का नतीजा है। किसका? बाप का। तुम चुप नहीं बैठ सकते क्या? हाँ, पहले उस तोते को चुप रहने को बोलो, तुम यहाँ बैठ सकती हो। ए तू थोड़ा चुप रहेगा, ये लो इधर रखना, उधर डालो, सुनता नहीं क्या? ये सब उसने करवाया। किसने? उस भटकती आत्मा ने। उस आत्मा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दे तो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ठीक है, कुछ भी बोलते हो। अरे इधर 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 बैठ, और भी मुसीबत आएगी, बैठना, और भी जानी जाएगी। देवी, वर्षों पहले एक जवान लड़की का सर काट के मार दिया गया था। उसके पूरे डिटेल्स पुलिस स्टेशन में मौजूद है और मैं भी सब जानता हूँ। उस लड़की की मौत तक इसी हादसे में हुई थी ना, जमीन के लफड़े में। वो डिटेल्स भी पुलिस के पास है। तुम चुप बैठो ना। क्या अम्मा, उसे मरे हुए बरसों बीत गए, वो डिटेल्स तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो मैं दे देता हूँ, कहो उनसे पूछ। उस लड़की का श्राप 7 पुश्तों तक चलेगा। कितनी? 7। 1, 2, फिर तो मेरा नंबर नहीं है। वो कैसे? मैं अभी आया। तू थोड़ा चुप रह, अब आगे क्या होगा बताइए। मैं अभी बताता हूँ। तू नहीं, स्वामी को बताने दे। कौड़ी के हिसाब से इस गांव को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। गांव में एक ऐसा इंसान आएगा जो इस गांव की रक्षा कर सकता है। वो कोई हरा शर्ट वाला तो नहीं है? नहीं। तो लाल? किस लिए? लाल शर्ट भी मेरे घर पर है। ओ, अरे लाल पीला कुछ भी नहीं है वो, तो फिर बिना शर्ट के तेरे जैसा नंगा घूमता होगा। वो आदमी जब इस गांव में कदम रखेगा तभी इस गांव को मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। हे ईश्वर, सबकी रक्षा कर। तो फिर करते रहो इंतजार, देखते हैं कौन आता है तुम सबको बचाने। आएगा तो सारे गांव वालों का सोना चांदी लूट कर ले जाएगा, यहाँ खजाना है। अभी तक सिर्फ नाम ही सुनते आए हैं, है? और आगे भी सुनते रहोगे। तूने क्या कभी उनका नाम नहीं सुना क्या? हाँ सुना है, मानो बहुत बड़ी तोप है इसीलिए कहीं मुंह छुपा के बैठा है। तो तू उनके बारे में ऐसा समझता है? चलो काम करो। हे भगवान। राघव जरा यहाँ हो तो। मुझे जरूरी काम है, अभी आता हूँ। मालिक जरा सर पर रखने के लिए मदद करोगे? तेरी मदद नहीं करूंगा तो किसकी मदद करूंगा, लेकिन तू ही मुझे नहीं समझती। चलती हूँ। देखा, हमसे मटकी उठवाने आई ना। देखो उस मटकी वाले के साथ मत उछलना, वो जल्दी हाथ नहीं आने वाली। मटकी ही नहीं, मैं उसका मटका भी फोड़ कर रहूंगा। ये नामुमकिन है, तुम बस देखते जाओ। मैं इन्हीं हाथों से अपनी बाहों में भरकर कैसे नचाता हूँ उसे। नचाता हूँ तेरी माँ की भैंस की टांग। ये भी ठीक है, मैं जरा देखता हूँ। ऐसा हो सकता है, अच्छा मैं भी देखता हूँ। हाँ
तुम इधर ही रुको। वो किस लिए? सामने वाले को लगेगा कि मैं नहा के नहीं आया हूँ। माफ करना भार्गवी, मुझे थोड़ी देर हो गई। मुझे भी देर हो गई। इसे कहते हैं दिल का मिलना। सच सच बताओ भार्गवी, तुम अकेली जिंदगी गुजार रही हो, क्या तुम्हें एक मर्द की जरूरत नहीं है? भार्गवी, सारे अरमानों को अंदर दबाए हुए भरी हुई मटकी की तरह इस भरपूर जवानी को क्या एक मर्द की गर्मी की चाहत नहीं होती है? तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, ये तो मैं तुम्हें 100 बार बता चुका हूँ। अब तो मान जाओ ना भार्गव। इस मटकी की तरह तो मेरी किस्मत ही फूट गई। लो ये फूटी हुई मटकी। जब दिल ही टूट गया। अरे मालिक, आपके नंबर का क्या वो हुआ? तो अभी फूटा है। वो तो मैंने देखा, मटकी ही फूटी है। उसके बॉडी को टच करने की कोशिश मत करना, वरना आपकी और भी मटकियां फूट जाएंगी। अब जा भूतनी के। ए, क्या बोला तू? अब जा भूतनी के कहा? ऐसा इज्जत से कहो ना, जाता हूँ। मेरी बच्ची कितने वर्षों से कष्ट उठा रही है, सब समय का खेल है। भाग में शादी भी नहीं लिखी है। मेरे बारे में सोचकर क्यों दुखी होती हो दादी? सबको खुश देखकर जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे दुख होता है, जो सिर्फ दूसरों के लिए जी रही है। देवी, इस गांव की रक्षा करने के लिए कोई आ जाए तो मेरी बच्ची को भी तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? दादी, वो क्या है कि नहाने चली गई तो क्या नहाती रह जाएगी? मंदिर में दिया भी जलाना है, पता नहीं है? चल अंदर जा। एक दो ताई ऐसे नहीं, गलत है, ताल बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूँ, देखो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह सब कुछ सिखा देंगे, समझे?
दादी? कुछ बुरा होने वाला है, इसमें से कोई नहीं बचेगा। दादी क्या बोल रही हो तुम? सपने में मैंने देखा, देवी का कोप थमा नहीं है। दादी तुम्हें ऐसा ही लग रहा है, चलो सो जाओ। हे ईश्वर, अब तू ही इस गांव की रक्षा कर सकता है। Come on, hurry up! रुक जाओ। देखो उस तरफ जा रहा है, जल्दी पकड़ो। रुक जाओ, भाग रहा हूँ। रुक जाओ। सर, तो यस सर। सर हम लोग क्यों भाग रहे हैं? रुक जाओ। सर मैंने उसे रुकने के लिए कहा है। अरे रुक जाओ। सर वो तो रुक ही नहीं रहा है। अरे ये चलो उधर से घेरो। रुक जाओ। जी सर। रुको 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 रुको। क्यों? उसके पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है। निकल गया। अच्छा, तुम लोगों की लापरवाही की वजह से वो निकल गया। जितनी जल्दी हो सके उसे कस्टडी में ले लो, वरना तुम सबको सस्पेंड कर दूंगा। यस सर। ए तो सुन, मेरे साथ आ। सलाम। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। इधर रुक। इसके आगे कोपर गांव है, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। हम इधर से पुलिस ड्रेस में जाएंगे तो वो हमें तुरंत पहचान लेंगे, इसलिए भेष बदल के जाना ही ठीक रहेगा। हाँ ये ठीक रहेगा। मुझे पकड़ा नहीं है। मैंने किधर पकड़ा है? अरे इधर नाला है। अरे नाला नहीं है, छाया है। ऊपर देख सूरज की तरह। सूरज नहीं, चांद है भैया। अच्छा अब हम सुबह मिलते हैं, ठीक है? गुड नाइट। ठीक है। तूने बुलाया क्या? किधर है तू? ये तेरा घर नहीं है? चल। यही मेरा घर है। तो फिर औरत कौन है? यह मेरी बीवी है। तूने कभी बताया नहीं? यह कोई बताने वाली चीज है क्या? ए तू अंदर जा। और लोगों के ऊपर चिल्लाना मुझे पसंद नहीं। सॉरी। क्या हुआ? एक बार भूल गया। मटकी हो गया, बार कोई नहीं है। तू उधर जाकर रखवाली करो इस वक्त। अभी अभी क्या? अभी जाऊँ? जा बेसुअर। क्या कहा? जा बेसुअर। इस तरह इज्जत से कहेगा तो राघव जाएगा ना साइड हट। तो क्या समझ रहा है? मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं हिम्मत वाला मर रू, मेरा सीना चिर कर देख ले। तू मछलियों की रखवाली करते वक्त यहाँ तेरी घरवाली की रखवाली मैं करूँगा। मेरा दिल कितना बड़ा है, तुझे एहसास होना चाहिए। माफ करना मालिक। देखा मालिक का दिल कितना बड़ा है। समझ गया ना? समझ गया, समझ गया ना? मेरे पास भी दिल है, मैं अच्छी तरह समझ गया। मैं तो अभी जाता हूँ। तू ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं संभालूंगा। मैं हूँ इधर। सुबह के पहले मैं जाना, याद रखना। सुबह के पहले बिल्कुल नहीं आना। अभी चाय कहाँ पीऊंगा? मैं लेकर आता हूँ ना। ज्यादा मीठा नहीं। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, सुबह मिलते हैं। बिल्कुल मैं अभी चलता हूँ, तुम भी संभाल के जाना। गुमनाम है कोई बदनाम मेरी आज। बाबरे सांप आ गया। कौन है उधर? कौन है उधर? सांप हो क्या? कौन है? मुझे डराओ बस, बच के निकल लो। ये कौन है? भार्गवी के घर की तरफ क्यों जा रहा है? सुबह पता करते हैं।
जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर इस हालात में मिलूंगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो गांव वालों को बुला लूंगी। भगवान, तुम मेरा साथ दो। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मैं जीना चाहता हूँ, सब कुछ भुलाकर एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने जिंदगी भर गुनाह किया है, तुम्हारी जिंदगी भी मैंने बर्बाद कर दी है। मेरे जेल से भागने के बाद अचानक मेरी पत्नी से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद मेरा प्यार फिर से जाग उठा, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी। ईश्वर ने हमें फिर से मिलाया है, हम फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तुम मेरा साथ देकर मुझे बचा लो। मेरा कोई पति भी हुआ करता है, ये बात यहाँ के गांव वालों को पता ही नहीं। तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करने के बाद मुझे वो गांव भी छोड़ना पड़ा। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। जिंदगी जीने के लिए चुपके से मुझे यहाँ आ जाना पड़ा। फिर कुछ समय के बाद ये भार्गवी मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजारने लग गई। यहाँ के गांव वालों ने मुझे सहारा दिया। वो लोग तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है, उस आदमी को घर में जाते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तेरी आंखों को शायद कोई धोखा हुआ होगा। दूसरों के आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखा है। फिर तो सही होगा। तो फिर आप ही बताइए, आप रात को वहाँ किस लिए और क्यों गए थे? नारियल के पेड़ पर चढ़ने के लिए। अरे भाई, राघवन का घर भी तो वहीं पर है ना। देख, मेरे से फालतू बात मत कर, नहीं तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। अबे ये मेरा कजिन ब्रदर है। ये बात भी सही है। ए, एक दूंगा रख के चुपचाप बैठ। यहाँ पर सच बोलने वाले की कोई इज्जत नहीं है। इसलिए कि तुमने अभी तक कोई बात सच बोली नहीं, इसीलिए कोई विश्वास नहीं करता। कुछ भी हो, भार्गवी की वजह से हमारे गांव की इज्जत जा सकती है। इसी जगह पर पहली बार वो हमें मिली थी, है ना? तो क्या हुआ, अब हम क्या करें? इधर ऐसा क्या, तुम सच कह रहे हो? तो फिर हमें उससे पूछना चाहिए। फ्री में नहीं मिलेगी, पैसा लेके जाना पड़ेगा, समझा? हे, हमारे गांव की पगड़ी इस तरह उछलने नहीं देंगे हम। अबे तेरे टकले पे बाल नहीं है, पगड़ी की बात करता है। ये बात भी सही है। ए, चुप तेरी तो। अब कुछ भी हो जाए, हमें इस बात का पता लगा नहीं होगा। चलो 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 चलो। ठीक है, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप लोग? तेरे घर के बारे में जानने नहीं आए हैं। तूने घर में जिस आदमी को छुपा कर रखा है उससे मिलने आए हैं हम। मैंने किसी को छुपा के नहीं रखा। मुझे सती सावित्री बनने की कोई जरूरत नहीं है, तू एक धंधे वाली है, हम जानते हैं। चुप हो जाइए, एक लफ्ज भी मेरे बारे में कहा तो जबान खींच लूंगी। उसमें इतना गर्व क्यों हो रही हो? दादी माँ, सचमुच मैंने देखा है, पूछो उसे। भार्गवी, क्या ये बात सच है? आपके सामने मैं कोई भी बात छुपा के नहीं रखूंगी। जो इंसान आया है वो मेरा कुछ नहीं लगता, वो इस गांव का नया रखवाला है। अब जरा पीछे आइए, तूने कहा था कोई नहीं आया था, तो अब कहां से आया? दादी माँ, इसका यकीन मत करना, ये बातों को घुमा रही है। इज्जत के साथ उसको बाहर निकाल, समझी? मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही है। जानता है तू क्या कह रहा है? एक आदमी है अंदर। बकवास बंद कर। स्वामी तपस्या में लीन है, 3 दिन के बाद ही वो मौन तोड़ेंगे। स्वामी है, उसकी 32 ही तोड़ देता हूँ मैं। 3 दिन तक अपने पास रखना चाहती है, बाहर निकाल जल्दी उसे। नहीं बेटा, स्वामी के बारे में ऐसा नहीं कहते। वो स्वामी नहीं है, आसामी है। उसे बाहर बुलाओ वरना हम अंदर आ जाएंगे। अकेले जाओगे क्या? तो अपना मुंह बंद रख। विश्वास नहीं हो रहा है ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आइए आप लोग। स्वामी शरण है। सही है। विश्वास हो गया ना आप लोगों को? दिलों में शांति हो गई ना? 3 दिन के बाद स्वामी आप लोगों को दर्शन देंगे। अभी जाइए आप लोग। जाओ यहाँ से, सब ये खेल बंद करो। चलो 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 चलते हैं। 3 दिन बाद फिर आएंगे। हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी। हम लोग यहाँ से कहीं और चले,
किस लिए? आज के बाद अंधविश्वास में जीने वाले इस गांव वालों का मैं रखवाला हूं। ब्रह्मा का दिया हुआ ये मेरा नया जन्म है स्वामी, स्वामी ब्रह्मानंद, ओम ब्रह्माय। अगर तुम्हें इस तरह गांव में रहना है तो फिर सबके सामने तुम्हें मंगलसूत्र बांधना होगा। कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? ये रखवाला सबकी जिंदगी का फैसला करने वाला है, तुम देखती जाओ। आज से 3 दिन के बाद सारे लोग हम दोनों को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। वो कैसे? इस गांव को श्राप से मुक्त होने के लिए मेरा किसी से विवाह होना जरूरी है। इसका मतलब हमारी शादी, हम दोनों का जीवन भर का साथ। तुम मेरी जीवन संगिनी, पूरे गांव वालों के सामने मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। उसके बाद हम दोनों बिना किसी के डर से जीवन भर साथ रह सकते हैं। कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? हमारी नई जिंदगी की शुरुआत में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। ओम ब्रह्माय। स्वामी का ये नया रूप मुझे बहुत पसंद है। स्वामी लोग इसी तरह की बातें बनाकर लोगों को अपने वश में करते हैं। स्वामी होकर ये सब करते हो? इसकी जरूरत है। इस भेष में देखकर हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। फिर भी अगर किसी ने पहचान लिया तो? वो तो ठीक है, हम पुलिस में हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। अब तो वो फिक्र नहीं है ना? सुन, देखो वो आ रही है, एक्टिंग। रुक जा। अच्छी लग रही है। तुम हमें दोगी क्या? क्या? पीने के पानी की बात कर रहा हूँ। जा तालाब में डूब मर, बड़ा आया पानी पीने वाला। इधर आ, लड़की को देखती तेरी जवानी लौट आती है, तेरी हरकत से मेरी पेशाब तक रुक जाती है। मैंने कब तुझे पेशाब करने से मना किया? तूने नहीं किया, लेकिन तेरी हरकत से ऑटोमेटिक मेरी पेशाब रुक जाती है। अच्छा, इससे एक फायदा जरूर हो जाएगा, हमेशा के लिए तेरी पेशाब रुक जाएगी। और यूं तू नहीं आज रोक पाया तो कहीं भी किसी भी जगह कर सकता है। पेशाब रुकने से तुझे क्या फायदा होगा, तू अपनी आदत सुधार। अरे चल चल, एक्टिंग एक्टिंग। अरे कुछ तो दे दो इस भिखारी को, कुछ तो दे दो, दे दो माई बाप, दे दो। हम सुबह से भटक रहे हैं लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। अरे बाप रे, राघव लगता है तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। अरे बाप रे, ये भिखारी लोग, तुम अपनी जुबान संभाल के बात करो। तुम्हारे रिश्तेदारों को मैं अपना कैसे कह सकता हूँ? मैं देखता हूँ कौन है। दे दो, वो हमारी तरफ आ रहा है, संभल के रहना। हमें भागने के लिए तैयार रहना चाहिए, समझा? दे दो। हेलो, ग्लैड टू मीट यू। हेलो, मैंने तुम्हें कहीं देखा है? यह हाथ पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा, पैदा होते ही मेरे साथ है। कहाँ देखा है? पंजाब में शायद। पंजाब की फिल्म में मैंने काम किया था। तो फिर यहाँ क्या करने आ गए? अबे हम भिखारी हैं तो क्या हुआ, हमारे भी तो कुछ सपने हैं ना। ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। नहीं सुनी होगी, बचपन से आवाज मेरे ही साथ है। तो ये मुंह पर पट्टी क्यों बांध रखी है? हाँ, मुंह बंद नहीं है, आंख बंद है। तुमने यहाँ किसी को देखा है क्या? यहाँ कोई नहीं आया, एक भिखारी आया था। वो भी हमारा रिश्तेदार ही लगता है। नहीं, उसको तो दाढ़ी है। हाँ। वो यही है क्या? ये नहीं, ये नहीं है। वैसे तो तुम हट्टे कट्टे हो, फिर भी लाठी किस लिए? ये लाठी, अच्छा ये तो बस सपोर्ट के लिए है। वो सब बाद में बताना, पहले ये बताओ काम क्या है। हम लोग एक लापता को ढूंढने के लिए आए हैं। तो फिर ठीक है, हम भिखारियों के लिए कुछ हंडियों का ऑर्डर देने आए हैं। राघव, इन लोगों को जितने मटके चाहिए उतने दे दो। तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इस गांव में कोई नया रहने के लिए आया है? ये तो नहीं। ये दाढ़ी नहीं तो फिर? दिखने में तुम्हारे जैसा है। 6 फुट की हाइट है, 2 फुट चौड़ा और मजबूत कद का है, थोड़ा हैंडसम भी है। वही हमारा साथी है जो लापता है। वो क्या? अकेला देखा है। मैंने भी कहा था कि वो नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक तुम्हारा घर बस गया होता। चलो अब निकलो यहाँ से। कितने दो साले को? अरे ये तो नकली दाढ़ी है, इसका मतलब ये असली भिखारी है। चलो भगवान की धुलाई करो। मारो, मारो,
गांव के कुल देवताओं, श्राप से मुक्त करो, इस गांव की रक्षा करो। मुझे जवाब दो, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर नहीं बताओगे तो मैं सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा। आपके आज्ञा के मुताबिक इस गांव के लिए मुझे क्या करना होगा बताइए। ये जितने दुखियारे हैं इनका श्राप से क्या मतलब? रिश्ता जोड़ना होगा। मैं एक ब्रह्मचारी हूं, मैं कैसे शादी कर सकता हूं? एक ब्रह्मचारी होके मुझसे कौन शादी करेगा? ये नाग देवता की आज्ञा है, अब गांव को बचाने के लिए मुझे विवाह करना होगा इस गांव की किसी कन्या से। इस गांव की कोई लड़की तैयार है? हम लोग तैयार है। इस गांव को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। मुझे बताओ, कोई भी लड़की बताओ। इस श्राप से त्रिदेव ही मुक्त करेंगे, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब किसी पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, ये गांव फिर से खुशहाल नजर आएगा। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। ओम ब्रह्मा। मैं ये कभी नहीं मान सकती, मेरे जीते जी मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मेरा प्यार मिट सकता है, मेरा शरीर भी मिट सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी खुश नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। तुम कौन हो और तुम्हारी असलियत क्या है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तुम्हें इस गांव का रखवाला मैंने बनाया, सभी तुम्हें स्वामी की तरह पूछते हैं, ये गलतफहमी मैं दूर कर दूंगी। ब्रह्मानंद स्वामी का ढोंग का पर्दाफाश मैं करूंगी। कैसी अनाप शनाप बातें कर रही है, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझ पे विश्वास नहीं है। नहीं, और अभिनय मत करो। तुम एक बेवकूफ लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ धोखा कैसे करूंगा? तुमने मेरी जिंदगी बचाई, दूसरी जिंदगी देने वाली तुम हो, और मैं तुम्हारे साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? मैं कौन हूँ ये सिर्फ तुम जानती हो। तुम चाहो तो मुझे धोखा दे सकती हो, लेकिन ये जानने के बाद भी दूसरी औरत को मैंने अपने लिए चुना, जानती हो किस लिए? इस गांव के किसी को भी हमारे बारे में शक ना हो। इस पूरे गांव में अगर तुम्हारे साथ शादी करने की बात मैं करता तो कोई भी यकीन नहीं करता। सब लोग समझ जाते हमारे बीच कुछ गड़बड़ है। तुमने मुझसे कहा था सबके सामने मुझे अपनाओगे, इसलिए मुझे गलत फहमी हो गई थी। मैं भी एक औरत हूँ, मुझे धोखा मत देना तुम। नहीं, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। भले ही दूसरी लड़की को चुना है, लेकिन शादी सिर्फ तुम्हारे साथ ही करूंगा। तुम ही मेरी पत्नी हो।
भाग्य में लिखे को कौन मिटा सकता है। भार्गवी को किसी ने प्यार में धोखा दिया लगता है। हम लोग पुलिस को यहाँ बुलाते हैं। पुलिस को यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ओम ब्रह्मा। मैं सब कुछ जानता हूं और सब जान जाएंगे। बुरी आत्माओं का तांडव अभी थमा नहीं है। अच्छा काम होने जा रहा है, यह सब उनको मालूम हो चुका है। नाग देवता की आज्ञा का तुरंत पालन करो, नहीं तो यह गांव बर्बाद हो जाएगा। मुझे मार कर भी तुम्हें चैन नहीं मिलने वाला। तुम फिक्र मत करो, ये अपनी आने वाली खुशियों का संदेश है। स्वामी मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस गांव की रक्षा के लिए भगवान ने तुम्हें मेरी जीवन संगिनी बनाया। आओ नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। भी मेरी जान बचा सकते हैं। इस मुसीबत से किसी भी तरह मुझे छुटकारा दिलाइए। मैंने तुम पर आने वाली मुसीबत को रोक रखा है। मैंने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से तुम्हें यहां तक सुरक्षित पहुंचाया है। इस धरती में जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है। हे मेरे देवता, मुझे शक्ति प्रदान करो। जब तक ये माला तुम्हारे गले में है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं जो पूछने जा रहा हूं, अगर बुरा लगे तो माफ करिएगा। आपने जो शक्ति मुझे दी है, इसका उपयोग मुझे कैसे करना होगा? अच्छा लगा, आज तक किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया। मुझे तुम अच्छे लगे, बहुत अच्छे। तुम्हें मुझ जैसा बनने के लिए आने वाली पूनम की रात को इस देवता को नर बलि देनी होगी। फिर जब भी तुम इन्हें याद करोगे, यह जादू टोने के देवता तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम हिम्मत से काम लेना, तुम ये कर सकते हो। उसके बाद हमेशा के लिए तुम मेरे उत्तराधिकारी बन जाओगे।
मैं अपने सारे धर्म कर्म तुम्हें सौंपता हूं, इससे तुम्हें मोक्ष मिलेगा। क्या चाहिए? मेरे रास्ते में रुकावट डालकर मेरे कातिल को बचाने की कोशिश मत करो। समझ गया, तेरे आने का कारण समझ गया। मेरे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सात पीढ़ियों का नाम और निशान मिटा दूंगी। तो मुझे मिटाएगी, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। नहीं, तुम में वो शक्ति नहीं है। मुझे माफ कर दो। ए मेरे शैतान देवता, मुझे शक्ति दो, मुझे बचाओ। तेरा कोई भी मंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा बदला पूरा होने के बाद मैं खुद ही राख में मिल जाऊंगी। मुझे तकलीफ मत देना। नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दो। मैं फिर आऊंगी। बदबू आ रही है। अरे बाप रे, वो बात नहीं है, बदबू आ रही है। बदबू नहीं, तेरा बाप आ रहा है। अरे लड़की की बदबू आ रही है, मैं बोल रहा हूँ। ओ लड़की, मुझे मिलेगी क्या? ओहो, अरे मेरे बाप, वो लड़की नहीं, लड़की की लाश सड़ गई है। यहाँ पुलिस भी आई हुई है, इसके पहले कभी यहाँ पुलिस नहीं आई थी। इसका मतलब यहाँ पर किसी का खून हुआ है। उसके बारे में सबको पता चला होगा, अब सारे गाँव में बदबू फैलेगी। चलो मुझे बताओ, लड़की यही रहती थी क्या? भाई ये तो इधर ही आ रहे हैं, इसके पहले मैंने इन्हें कहीं देखा है। सही है, चलो चल के देखते हैं। आ गए। मांग ले। क्यों? मैंने तो नहा लिया है। तो फिर मटके लाके दे दे। ए, चलो पीछे खड़े रहो। ए तू चुप रहे, कभी पंजाब कभी भिखारी बनते हो, अब बन के आ गए पुलिस। एक खींच के दूं क्यों? ए, हम ओरिजिनल पुलिस है, ज्यादा बोलेगा अंदर कर दूंगा। आई कार्ड है। ए फालतू बात नहीं करना, नहीं तो अंदर कर दूंगा तुझे, समझा क्या? अरे बच्चे, तू क्या पुलिस है? क्या कर रहा है? अरे रुक जा, एक बात बता, तेरे से एक बात पूछूं क्या? पहले पुलिस में था क्या? हाथ बिल्कुल पुलिस वालों जैसा है। तुम्हें कैसे पता चला? अरे ये लोहे जैसा हाथ सीट पर पड़ा तो कलेजा मुंह को आ गया। तुम वहाँ खड़े रहो। वहाँ पर किस लिए? ये किस लिए? कुत्तों को दौड़ाने के लिए। जरा सामने आ जाओ। जा तेरी बारी है, पेट अंदर ले।
तू मुझे डरा रहा है सांस फुला के, मैं तेरी अब सांस रोकता हूँ। एक नंबर बताता हूँ, नया नंबर बताना, सही नंबर बताना। ये तो नंबर नंबर करके हमें बेवकूफ बना के चला गया। अबे तू कौन से नंबर की बात कर रहा था, पहले तूने मुझे क्यों नहीं बताया? बोलने का मौका ही नहीं मिला। चलो, दीदी की शादी हो गई है, गांव के सारी बलाएं टल गई। अब अपनी शादी में देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी से शादी कर लेते हैं। पिताजी नहीं मान रहे, तुम कैसे इंसान हो, उन्हें समझा बुझा के मना नहीं सकते क्या? तुम किसके लिए शादी करना चाहते हो, अपने लिए या अपने पिताजी के लिए? देखो अब मैं अपनी आँख बंद कर रही हूँ, आँख खोलने से पहले मुझे चुम्मा दो। डर क्यों रहे हो तुम, देखो सोचो मत इतना, आ जाओ ना। अरे अरे ए, छोड़ो छोड़ो ना, छोड़ो मुझे। ए, क्या कर रहे हो? अबे चल, ओम ब्रह्माय। ये सब कुछ कब से चल रहा है स्वामी? मैं नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये स्वामी सब जानता है। जाओ। इस गांव में तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा, पूरे गांव में मेरा नाम खराब कर दिया, मेरा बेटा नहीं कलंक ही है, छोड़ूंगा नहीं, इसे मार डालूंगा मैं। जो भी कोई फैसला लेना है थोड़ा सोच समझ कर लीजिए। हाँ सही किया मैंने, आपकी चिता को आग देने वाला वही तो है, जरा सोचिए तो सही। इस पूरे गांव का सपना मेरी चिता की आग से पूरा होगा क्या? उसे ऐसा मैं करने नहीं दूंगा। आपके बेटे ने उस लड़की से प्यार किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया? आप सब लोग जानते हैं इस गांव में देवी के कोप की वजह से बुरी आत्माओं का अंत किस तरह चल रहा है, फिर भी तुम लोग चाहते हो ऐसा हो तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। कल नाग देवता के सामने मैं दिया जलाऊंगा, किसी को कोई एतराज? आपका कहना हम सबको मंजूर है। अरे हाँ ठीक है चल है? लेकिन तू साइकिल पे है, मैं पैदल चल रहा हूँ। अरे अरे तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? मैं बस का इंतजार कर रही हूँ। रात के 11 बज चुके हैं, आखिरी बस भी निकल गई है। सुबह की पहली बस मिलेगी तो उसमें चली जाऊंगी, आसपास कोई ठहरने की जगह? इधर श्री कृष्णा लॉज अभी तो बंद हो गया होगा। ऐसा क्यों? उसका मालिक मर गया है। उसे आज मैंने देखा था। वो मालिक नहीं था कदे। तुम्हें रात भर ही ठहरना है ना? हाँ। उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, मेरा घर बाजू में ही है। भाई साहब आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? तकलीफ की क्या बात है, मैं बैचलर हूँ, इसमें तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? लेकिन मैंने तो सुना है कि यहाँ के लोग ठीक नहीं है। यहाँ के लोग? यहाँ मैं भी रहता हूँ,
ऐसा कोई होगा तो मैं देख लूंगा, तुम बेफिक्र रहो, आज रात मेरे घर पे रहना, सुबह होते ही चली जाना, समझे? पोपट, तुम जाओ, मैं रात को यहीं रहूंगा, सुबह आ जाऊंगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? क्या की गड़बड़, मैं उसे शादी कराने थोड़ी ले जा रहा हूँ। ये बात नहीं है, ये तो मुझे खानदानी लड़की लगती है। खानदानी? मेरा मुंह मत खुलवा अभी, मैं तो उसे सिर्फ अपने घर पनाह दे रहा हूँ। नहीं, कुछ गलत ना हो जाए इसलिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फिर मैं भी आऊँ? क्यों, किस लिए? मैं उसके साथ। तू अभी अंडे से बाहर भी नहीं निकला। मेरा भी काम हो जाएगा ना। तू एक काम कर, जाकर 2 घंटे के बाद आना। मैं नहा के आऊंगा, देख उसे भगाना नहीं। आओ साइकिल के पीछे बैठ जाओ, आराम से बैठना। तुम यहाँ किस लिए आई हो? किसी से मिलना था। तुम्हारा नाम क्या है? सुहासिनी। बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा। तुम्हें मैंने कहीं देखा है? मैंने भी तुम्हें कई बार देखा है यहाँ पर। मैंने पिछले साल उत्सव में कुछ साड़ियाँ खरीद रखी है, तुम्हें कैसी साड़ी पसंद है? सफेद। मुझे भी, फिल्मों में ना सफेद साड़ी पहनकर आत्माओं को भटकते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। उसी तरह सफेद साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत जचेगी, बहुत जचेगी। तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? है? बातों में वक्त मत गवाओ, जल्दी चलो ना। आओ जल्दी अंदर चलो। घर पर कोई है तो नहीं ना? नहीं, कोई नहीं है। तुमने अपने बालों में गजरा क्यों लगा रखा है? वो तो मैं बस यूं ही। डरो, यहाँ कुत्ते अक्सर भौंकते रहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ भूत प्रेत नहीं है। आओ मेरे साथ। खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ फल वगैरह होंगे। हैं मैं दरवाजा बंद करता हूँ, खुश होना तुम। भाई साहब, मैं कुछ समझी नहीं। मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैंने बताया था ना। मुझे शर्म आ रही है। एक काम करते, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, इस तरह। जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। समय, समय गंवाना ही पड़ेगा। कुछ नहीं देख रहा हूं। तुम तो वाकई में मर्द हो। तुम्हारा काम हो गया, अब मैं अंदर जाऊं? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं फटाफट अंदर जाता हूँ। अच्छा सुनो, पैसा तो देना नहीं है ना? बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री है। तो फिर तुम अभी मत आना, सीधे कल सुबह आना। तो मेरी चाहती है। बचाओ, 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 बचाओ। Thank you.
इतनी रात गए तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हमारे बारे में सब लोग जान चुके हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम लोग कहीं निकल जाते हैं, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ आने के लिए। चुप क्यों बैठे हो, बोलो ना। स्वामी स्वामी आप यहाँ? तुम्हारी एक एक हरकत पर मेरी नजर है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो इस रात के समय? स्वामी देखिए मुझे परेशान मत कीजिए। मैं तुम्हें हासिल करूंगा। किसी भी काम को अधूरा छोड़ना इस स्वामी को पसंद नहीं है। स्वामी ऐसा मत कहिए, मुझे जाने दीजिए। अरे आहिस्ता संभल के हाथ मत मार। आजा मुझे छोड़ दो। वो यहाँ आने वाली है, थोड़ा इंतजार कर, वो जरूर आएगी। हम दोनों चुपचाप यहीं बैठते हैं। आजा आजा बैठ जा। छेद छेद के अंदर छुप के तो नहीं बैठी है? तू यहीं बैठ के इंतजार कर, वो आएगी, जरूर आएगी। तू भी इसके छेद के अंदर घुस जा। तेरा बाप आ रहा है, चल भाग यहाँ से, भाग भाग चल। इंसान को कितना लाचार बनाया है, ना वो जीता है ना वो मरता है। तुम ठीक कह रहे हो, इस जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। खुदकुशी कर लोगे तो दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। ऐसी बात है तो मैं भी किसी भी भूत प्रेत से प्यार करने को तैयार हूँ, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा वो सब छोड़, तू गाना गा। मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ ना। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मैं माँ के पेट से अकेला पैदा हुआ था और मरूंगा तो भी अकेला ही मरूंगा। सबको एक दिन मरना है। ऐसी बात है तो तुम अकेले ही घर जाओ, जाओ मैं जा रहा हूँ। जाएगा जाने वाला सुने दुनिया के रखवाले, मेरे दर्द भरे मेरे लाले। छोड़ दे लड़की को। और कितनी देर इंतजार करेंगे? वो भले ना आए, हम लोग इस दिए को जला देते हैं। चाचा अपनी जुबान से कभी नहीं पलटते। भाई साहब चाचा कहीं मर तो नहीं गए? भाई ये तुम कैसी बात कर रहे हो? बाप और बेटे में बंदी नहीं, इसलिए ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है उस लड़के ने उन्हें मार दिया है। मेरे सूरज के बारे में गलत बात मत बोलना, बेचारा बहुत भोला है। मैंने क्या गलत कहा है, सच ही तो कहा है। स्वामी जी आ जाते तो जरूर कोई हल निकाल लेते। ओम ब्रह्मा। एक दुर्घटना मेरी आंखों के सामने, दिया जलाने में देर क्यों कर रहे हैं? दिया चाचा जलाने वाले थे, वो अभी तक नहीं आए हैं। सुबह से उन्हें किसी ने देखा भी नहीं है। ओम ब्रह्मा। आत्मा साथ में लेकिन उनका शरीर गायब हो चुका है, वो जिंदा नहीं है। शक्ति दो, रास्ता दिखाओ। इसे हटाओगे तो सारा सत्य सामने आएगा।
है? देखा आपने, अपने बाप का खून करके अब नाटक कर रहा है। ओम ब्रह्मा। उस बेचारे के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि चाचा का खून उसने किया है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, अपने ही बाप का खून करेगा, इतना तो दुष्ट नहीं है वो। वो तो गुंगा है, एकदम सीधा साधा, वो क्यों खून करेगा? मुझे तो स्वामी के ऊपर शक हो रहा। स्वामी तो गांव की रक्षा करता है, वो क्यों खून करेगा? तो फिर पुलिस में कंप्लेंट करने से तुम लोग क्यों रोक रहे हो? हाँ, तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है। तो अब क्या किया जाए? हम कल ही पुलिस में कंप्लेंट कर देते। ओम ब्रह्मा। मुझे कोई बीमारी नहीं है। तुम्हारे दिल के अंदर की बात को मैं देख रहा हूं। तुम्हारे दिल की सारी बात मुझे पता है। तुम सबको जानते हुए भी अनजान बन गए। आधी रात को तुम्हारे घर के दक्षिण दिशा में 12 कदम की दूरी पर 2 फीट गड्ढा खोदना तो तुम्हारा सारा वहम दूर हो जाएगा। ओम ब्रह्मा। कितना कदम? 12 कदम। 2 फीट गड्ढा खोदने में सुबह हो जाएगी। स्वामी पागल है। आधी रात को तेरे घर के सामने दक्षिण दिशा में 12 कदम की दूरी पर 2 फीट का गड्ढा खोदेगा तो तेरा सारा वहम दूर हो जाएगा। 12 कदम की दूरी पर 2 फीट खुदाई करने से क्या होगा? स्वामी पागल है, वो भी आधी रात को। और कोई काम नहीं है क्या? क्यों इतना परेशान हो रहा हूं? चल के देखने में क्या हर्ज है? चलो देखते हैं। एक, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। हे भगवान, 5 किलो सोना मिल जाए मुझे। बचाओ, अरे बचाओ, खोपड़ी मेरा पीछा कर रही है, खोपड़ी मेरा पीछा कर रही है, अरे माँ, अरे माँ, बचाओ, 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 सोना तो नहीं मिला, भार्गव भी आ गई, भार्गव भी एक, तीन, दो, पांच, चार, एक, दो, अरे भूल गया, गलत हो गया, अब फिर से गिनता हूं।
दो तीन पांच एक चार सात नौ एक खोपड़ी के लिए जाना है, खोपड़ी ढूंढनी है। बहरा लगता है। अबे ये कौन है परेशान कर रहा है? स्वामी है क्या? नमस्कार, मैं समझा कोई भिखारी है, अभी पहचाना। मैं 12 कदम ढूंढते हुए सुबह से निकला हूँ, अभी तक नहीं पहुंचा हूँ। आप उस 12 कदम को एडजस्ट करके 15 कदम कर सकते हैं क्या? आपका एहसान होगा, अब 15 तक गिनूंगा तो हो जाएगा। 2 4 3 1 4 फिर गलत हो गया, पूरी तरह से गलत हो गया। हाँ, मैं कहाँ रुका था? 7 9 10 4 6 विश्वास है सूरज कि तुम अपने पिता का खून नहीं कर सकते। मेरा सूरज खूनी नहीं है, मैं जानती हूँ। बाप रे, ये भी सही है, दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हैं। रहने दो, तू भी नसीब वाला है भाई। 2 3 7 4 3 2 अबे कौन है बे? बुला, अबे रुक इधर, जा रहा बे। फिर गार्ड के ड्रेस, तुझे दिखता नहीं, हम लोग ओरिजिनल पुलिस है। पुलिस हो? हाँ। नहीं हो सकता, दो पड़ेंगे समझ में आएगा। क्या? मेरे प्यारे भाई, हमसे एक आदमी बच निकला है, उसे अगर हमने फिर से गिरफ्तार नहीं किया तो हमारी नौकरी चली जाएगी, दो परिवार भूखे मर जाएंगे। सब नसीब। हम नसीब की क्या बात है, एक 6 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा थोड़ा हैंडसम शरीर, उसके सर के बाल काले। हाँ, काले हैं, काले हैं। हाँ, तो मिल गया। बधाई हो, बधाई हो। आदमी को मैं बता सकता हूँ, लेकिन किसी से मत कहना कि मैंने बताया है। पक्का वादा, पक्का वादा, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बाजू हटो। क्यों? मुझे गिनती करते हुए आगे जाना है। हमारे काम के लिए गिनती करके जाने की क्या जरूरत है? मुझे गिनती करते हुए जाना है। 12 कदम तक हमारे साथ चलना है। मैं भी? हाँ ठीक है। 1 2 3 5 4 5 4 अरे 5 बोला ना, मैं पीछे से। ठीक है 5 है। 5 हाँ जी, 5 6 7 4 3 7 10 5 12। हाँ, आइए आइए, यहाँ कोई आवाज नहीं करेगा, चुप रहेगा। डंडा इधर लाओ, तुम्हारे पास भी है ना, आओ। अरे फूल वाले भैया, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारी नौकरी बचा लो। लगे रहो बच्चे, डिस्टर्ब मत करना बच्चे। जा भी पागल, इज्जत वाला है, इज्जत वाला है। जो 6 फीट की हाइट वाला है, तगड़ा है। 6 फुट की लंबाई को छोड़ो, उसके बाल काले है ना। हाँ, है ना। हाँ, तो फिर डंडा पकड़ो। हाँ। 2 3 5 1 4 मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल पागल है, हम लोग कहाँ फंस गए यार, ये तो हमें ही चक्कर लगवा रहा है। सही कह रहे हो, क्यों ऐसे?
मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इंसानों के जिस्म में एक अद्भुत क्रियाएं होती हैं, एक किस्म की भूख है। तुम्हारी ये खूबसूरती पूजने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए है। मुझे हाथ मत लगाना, वरना जिन लोगों का तुमने खून किया है मैं सारे लोगों को बता दूंगी कि तुमने खून किया है। हाँ, उस बुड्ढे को मैंने ही मारा और भार्गवी का भी खून मैंने किया। अगर जरूरत पड़ी तो एक खून और भी कर सकता हूँ। छोड़ दो मुझे, मुझे हाथ मत लगाओ, छोड़ दो मुझे, नहीं मुझे हाथ मत लगा, नहीं जाऊँगा, मुझे छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ दो मुझे, बेटिया कहाँ है तू? अगर तूने जुबान खोली ना तो तेरी बहन की जिंदगी मैं तबाह कर दूंगा। खामोशी में ही तुम लोगों की भलाई है। यहाँ पर क्या चल रहा था बोलो? हाँ? बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। तुम सच कह रही हो क्या बोलो? हाँ दीदी, भार्गवी और अंकल का खून स्वामी नहीं किया है, वो अब इस गांव को बर्बाद कर देगा। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जो मैंने सुना है वो सच है क्या? तुम जो जानना चाहती हो वो मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। इस गांव में जो विपत्ति आई है और उससे जिस बूढ़े की मौत हुई है उसका जिम्मेदार तुम मुझे ही मानती हो ना? उसकी हरकतों पे जो यकीन करेगा वो नीच होगा। मेरी नजर में तुम्हारी बहन एक बच्चलन लड़की है। क्योंकि इस वक्त वो बेचारी अपने होश में नहीं है, उस पर बुरी आत्मा का साया है। तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना? स्वामी मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में जो गुनाह हो जाए वो गुनाह नहीं होता, उसका प्रायश्चित भी होता है। ओम ब्रह्माय। मैंने जो कुछ कहा वो सच है, तुम उनकी बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इसका मतलब स्वामी झूठ बोल रहे हैं क्या? और नहीं तो क्या, वो अपनी हवस पूरी करने के लिए धोखा दे रहा है, वो एक दुष्ट इंसान है दीदी, दुष्ट। कितने भी दुष्ट क्यों ना हो, मैंने उसे शादी की है, वो मेरे पति हैं, मेरी नजर में वो एक देवता है। अब मुझे यकीन हुआ कि स्वामी ने सच कहा था, तेरे शरीर पे बुरी आत्माओं का साया है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू यहां से जा सकती है।
बेटी। क्या हुआ मेरी बच्ची? मंदिर में दिया जलाने गई थी, मुझे इतना ही याद है। वहाँ पर बेहोश पड़ी थी, हम लोग उठाकर लाए। पूजा करने गई थी, वहाँ किसी सहायक को देखकर डर गई होगी। देवी, मेरी बच्ची की रक्षा करना। लगता है इस गांव पर मुसीबतें और तेज हो गई हैं। ये इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। देवी को खुश करने का वक्त आ गया है। राधे, क्या हो गया था? स्वामी, क्या हुआ? थोड़ा पानी चाहिए। बिटिया राधा, क्या है दादी माँ? स्वामी को जरा पानी लाके तो दे। अच्छा दादी माँ। स्वामी, आप हमेशा हार क्यों पहने रहते हैं? इसे निकाल के रख दीजिए ना। सारी बुराइयों से बचाने वाली ये माला है, इसके होते हुए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आप तो इस गांव के रखवाले हैं स्वामी, देवता समान हैं। मैं एक साधारण इंसान हूँ। जी Ah
सोचने के बाद मैं ये चिट्ठी लिख रही हूँ। स्वामी पाखंड जी है, हम लोगों का रखवाला नहीं है, वो गांव को बर्बाद करके ही रहेगा। मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, घर वाले भी मुझसे प्यार करते हैं। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो और अपना मानती हो तो मेरी बातों पर यकीन करो। सूरज के पिताजी का खून भी उसी पापी ने किया है और किसी ने नहीं, स्वामी खूनी है। सच कह रही हूँ, सूरज के प्यार की कसम खाती हूँ, ये सच है। तुम्हारी बहन शीला। बुरी आत्माएं
इस पे हावी हो चुकी हैं। खत्म कर दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं। हे देवी, क्यों तुम मेरी बच्ची की इस तरह से परीक्षा ले रही हो? हमें आराम से जीने का हक नहीं है क्या? देवताओं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ, मेरी जान चाहिए, वो भी हंसते हंसते दे दूंगा। उत्सव फिर से शुरू होना चाहिए। तुझे किसकी जिंदगी चाहिए, बता बता बता, मिल जाएगा। किसको किसको चुनूं मैं, बताओ? इस गांव की लड़की, वो भी कुंवारी, बताओ मिल जाएगी? कौन कौन चाहिए, मुझे इशारा दो। देवताओं मुझे बताओ, कौन सी लड़की चाहिए, कौन सी लड़की चाहिए, मुझे बताओ। हमारे जीते जी यहाँ एक लड़की की बलि दी जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। एक लड़की की हत्या करके मिलने वाला पुण्य, ऐसा पुण्य नहीं चाहिए। हे राघव, जो भी मुंह में आया वो बक्के देवी का श्राप का भागीदार मत बन। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। स्वामी ये सब अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, देवी स्वामी से बुलवा रही हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये भी भगवान की मर्जी है ना, जो हमारे गांव में एक रखवाला आया, साक्षात ईश्वरी है जो स्वामी के रूप में हमारे गांव में है। ये बात भी सही है। तो भगवान की मर्जी है ना, जो हमारे गांव में एक रखवाला आया है, ये बात भी सही है। साक्षात ईश्वर है। तो बीच में ये सही है वो सही है बोल के मत बोला कर, आखिर ये बता क्या सही है? चाहे कुछ भी हो जाए, हम ऐसा कभी नहीं करने देंगे। हिम्मत है तो रोक ले, लेकिन एक बात याद रखना, क्या गांव इसी तरह हमेशा बर्बाद होता रहेगा? यहाँ पर दुर्घटना होती रहेगी, बरसों हो गए यहाँ उत्सव नहीं हुआ, कुछ तो इलाज होना चाहिए ना। इस गांव की बर्बादी को रोकने के लिए ही एक कुंवारी कन्या का देवी के नाम पर बलि चढ़ाया जा रहा है, तभी ये गांव बच सकता है। लड़की की बलि देकर इस गांव को बचाया जाएगा, हम सब भी रोक नहीं सकते, समझे?
एक कुंवारी लड़की की बलि देना चाहते थे ना, लेकिन अब ये कुंवारी नहीं रही, ये अब किसी की पत्नी बन चुकी है। Yep.